नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन सभी व्यक्तियों के बारे में जो किसी भी बैंक का पैसा, चाहे स्टेट बैंक का हो, चाहे केनरा बैंक का हो, चाहे इंडियन बैंक का हो, चाहे आपका पंजाब नेशनल बैंक का हो, चाहे ग्रामीण बैंक का हो, वे अपने खाते का जो पैसा है APS के माध्यम से यानी अंगूठे का निशान देकर अपना पैसा निकालते हैं, तो उन लोगों के लिए NPCI ने एक नया रूल्स जारी किया है, यानी एक नया नियम जारी किया है जो सभी व्यक्तियों के लिए जानना अति आवश्यक है। पहले क्या होता था, जो भी पैसा अगर आपको निकासी करना होता था तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाते थे या किसी भी मिनी बैंक में जाते थे और अंगूठे का निशान लगाकर निकाल लेते थे। अगर आपको 20,000 का निकासी करना है तो दो बार 10,000 करके निकासी करते थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार में 10,000 का निकासी ही होता है, उससे ज़्यादा का निकासी करने के लिए दो बार आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, यानी एक बार में 10,000 का ही निकासी होता है। अगर आपको 18,000 का निकासी करना है तो 10,000 और 8,000 का लगाकर आप निकासी करते थे। लेकिन अभी NPCI ने जो नया रूल्स लागू किया है उसमें आप एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोबारा ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको आधे घंटे का वेट करना होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर हम दो बार ट्रांजेक्शन कर लेते थे और किसी कारणवश से एक ट्रांजेक्शन फेल हो जाता था और आपका अकाउंट का पैसा कट जाता था तो आपको काफ़ी परेशानी होती थी और आप बैंक में जाना होता था, प्लस आप जिस साइबर कैफे से आपने निकाला है उनको भी काफ़ी परेशानी होती थी और बैंक में ऐसा कंप्लेन बढ़ने लगा तो बैंक वाले ने NPCI को यह कंप्लेन दर्ज किया। तो NPCI ने एक नया रूल्स लागू किया कि अब आप जब भी आप पैसा, अगर ट्रांजेक्शन दो बार आपको करना है यानी 20,000-30,000 का निकासी करना है, तो आपको एक ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद यानी आपका अकाउंट से पैसा कटने के बाद दोबारा अगर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधे घंटे का वेट करना होगा, तभी आप दूसरा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऐसा आपको कभी भी नहीं समझना है कि अगर आपका एक ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया और दोबारा ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपका अंगूठा नहीं ले रहा है या सर्वर फेल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये NPCI का नया रूल्स है कि आपको दूसरा ट्रांजेक्शन करने के लिए आधे घंटे का वेट करना होगा। अब आप सोचते होंगे कि NPCI क्या है तथा इसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। ये अगर यह वीडियो, आगे के वीडियो जो NPCI का है, अगर आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आपको बैंकिंग के क्षेत्र में नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करने जाएँ, अगर 10 से ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन करना है यानी दो बार ट्रांजेक्शन या तीन बार ट्रांजेक्शन करना है तो आधे घंटे का आपको वेट करना होगा। और ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर आप महीने में चार बार ही APS के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यानी अंगूठे का निशान चार बार ही आप यूज कर सकते हैं, अगर चार बार आपने विड्रॉ कर लिया अपने खाते से तो आपको अगले महीने के लिए वेट करना होगा, यानी आप चार बार से ज़्यादा एक महीने में निकासी नहीं कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए आधे घंटे का वेट करना होगा, प्लस महीने में चार बार ही आप निकासी कर सकते हैं। अगर पाँचवा बार निकासी करना है तो आपको अगले महीने तक वेट करना होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी तथा महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। धन्यवाद।